खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां गांधी मेमोरियल अस्पताल में नव निर्मित प्रसूति वार्ड का विधायक राजेंद्र शुक्ला ने लोकार्पण किया। इस दौरान श्याम साह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सारस्वत के साथ अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। उक्त वार्ड का निर्माण ASR मध्य से किया गया है, जिसमें गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित सोलर पावर प्लांट से 6 करोड़ और अन्य से 10 करोड़ रुपए एकत्र कर इस वार्ड का निर्माण कराया गया है। लोकार्पण के बाद विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि पुराने वार्ड की हालत बहुत दयनीय थी। 65 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके चलते मांग किए जाने पर यह निर्माण कार्य कराया गया है। आइए दिखाते हैं कुछ कार्यक्रम की झलकियां और सुनाते हैं विधायक राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा। अरे बनना है, हमें सब मालूम है, बना नहीं है इसकी बात कर रहे हैं। उसको बनाइए, कुर्सियाँ रखिए और वाटर कूलर रखिए, पानी का जो भी आता है ना, ठंडियों में क्या वाटर कूलर रखेंगे, मतलब नॉर्मल पानी पानी। तो क्या है कि पानी रहेगा, धोने का रहेगा, तो वहीं सब बैठ के खाना खाएंगे बैठ के, और उसको ज़्यादा कम्फर्ट फील होगा और आप लोगों को भी सुविधा होगी। डिलीवरी के बाद शिफ्ट हो जाते हैं सर, 1 घंटे थोड़ी बैठे हैं। और डिलीवरी के बाद कहाँ शिफ्ट होते हैं सर? 2 घंटे ऑब्जर्वेशन, 35 का पोस्ट मार्टम शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ ऑब्जर्वेशन के तो पीछे वाला पुराने बिल्डिंग में टहल रहे हैं। ये सामग्री ले जाने में आपको क्या परेशानी होती है? कितनी लिफ्ट चालू है यहाँ पर? अब सर एक चलती है, एक बंद है, वो चलती है, ये बंद रहती है, ये बंद रहती है, वो चलती है। मतलब तीन लिफ्ट लगातार, तीनों नहीं चलती एक साथ? नहीं सर, बहुत कम। क्या करें, ये क्या बोले, चलाने वाले हम कैंटीन से चलती भी है तो कहीं जाकर रुक जाती है, फंस जाती है। मतलब ठीक ढंग से नहीं चलती है? ये कब से बंद पड़ी हुई है? ये तो लगता है 15 दिनों से। 15 दिनों से लिफ्ट बंद पड़ी है? ये तो कभी नहीं, ये तो बहुत साल, 2 साल। आप कैंटीन में रहते हैं? जी। तो रोज देखते बंद रहती है? मतलब कोई बनाने वाला आता है? कोई बनाने वाला नहीं आता है, नेचुरल कभी कभी आते हैं, जो थोड़ा बहुत ख़राब हुआ तो उसको जब चालू करने के लिए, जब बंद हो जाती है थोड़ी बहुत चालू करने के लिए बना देते हैं, लेकिन वो तब भी फंसती है, कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ही लिफ्ट चलते हैं। और बच्चों का है, इसकी हालत बड़ी ख़राब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर 65 साल पुरानी बिल्डिंग होने के कारण ना तो वार्ड अच्छे थे, ना मैटरनिटी विंग ठीक था जहाँ बच्चों का प्रसव होता है। तो उसके कायाकल्प हम लोगों ने एक योजना बनाई थी, 15 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे, 10 करोड़ रुपए REC से मिले थे, CSR का, जो भारत सरकार की एक PSU है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से, और लगभग 6 करोड़ रुपए मिले थे
जो गुड़ में सोलर प्लांट लगाया है उसके लोकल एरिया फंड से, तो उन्हीं कार्यों के अंतर्गत यहाँ पर एक नया मैटरनिटी विंग बना है, जहाँ पर लेबर रूम और ओटी बनाई गई है। यहाँ पर ओटी होने के कारण वेटिंग ज़्यादा रहती है, तो नया ओटी बन गया, 23 बेड का एक विंग बन गया। तो अब जो हमारे मैटरनिटी प्रसव से संबंधित जो काम है उसके लिए जो ज़रूरत थी उस तो ज़रूरत को पूरा कर दिया गया है। इसी के साथ 4 वार्ड जो बहुत पुराने थे, बहुत जर्जर, उसका पूरा नया कायाकल्प कर दिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों के प्रसव से संबंधित जो सुविधाएं हैं उच्च स्तर की हो गई हैं। इसी प्रकार से जो बच्चा वार्ड था और जो आँख जो ऑप्थल्मोलॉजी है उसमें भी नया विंग बन जाने के कारण, और फ्रंट आपने जीएमएच का देखा होगा कितना अच्छा हो गया है। पहले तो उसमें काई लगी थी और पूरा जर्जर भवन था, लेकिन अब सुपर स्पेशलिटी को देखिए और जीएमएच को देखिए तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक साथ बने। इस प्रकार से उसका कायाकल्प हुआ है। पीडियाट्रिक और बच्चों का पीडियाट्रिक मानसिक, मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी है, हाँ तो दिवस आज है। और जो मानसिक रोगियों के लिए जो नया एक ब्लॉक बनाया है वो भी बहुत अच्छा बना है, जहाँ पर कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि वो वैक्सीनेशन होता था। तो कुल मिला के जो 15-16 करोड़ रुपए खर्च हो गए जीएमएच में, उससे अब यहाँ की सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। डॉक्टरों का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, वो भी खुश दिखते हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ भी, क्योंकि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो काम करने में परेशानी होती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेटिंग एरिया बना दिया, मैटरनिटी विंग के सामने जो ये कॉरिडोर में लोग बैठे रहते हैं वहीं भोजन करते हैं, वहीं बैठते हैं, क्योंकि सुविधा नहीं है, वहीं पर बर्तन साफ करते हैं। ये जो दाएं बाएं आप देख रहे हैं ये जो बना है इसमें बैठने की चेयर पर्याप्त लगाए जाएंगे, बर्तन धोने के लिए पॉइंट बनाया जाएगा पीने के पानी का, और एक टॉयलेट भी बनेगा जिससे कि कॉरिडोर में पेशेंट और डॉक्टर तो आए जाएँ लेकिन जो उनके अटेंडेंट हैं, हमारे जीवन में एक अटेंडेंट के पीछे, एक पेशेंट के पीछे 4-4, 5-5 लोग रहते हैं कठिन समय में, तो उन सब के बैठने के लिए लंबा थोड़ा एरिया हो जाएगा, तो सामने का कॉरिडोर भी खाली दिखेगा। नवा 4 हुआ है मॉड्यूल, करीब 100 ऐसे टॉयलेट हैं आईसीयू से लेके जनरल वार्ड के, जो क्योंकि संजय गांधी को भी बने हुए समय हो गया तो उनकी हालत ठीक नहीं थी। मैं एक दिन जब विजिट में आया था तो मैंने देखा कि उसकी हालत ठीक नहीं है, तो 100 टॉयलेट के रिनोवेशन का काम, कायाकल्प का काम चल रहा है, जिसमें 20 बन गए हैं जिसका हमने आगे उद्घाटन भी किया है, बाकी 80 में काम चल रहा है। तो ये जो पब्लिक से जुड़े हुए जो स्थान होते हैं उसके टॉयलेट वगैरह यदि अच्छे हों तो फिर लोगों को बहुत सुविधा मिलती है, तो वो काम अलग चल रहा है।